हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग स्टेशन आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है थिंकिंग स्किल्स थिंकिंग स्किल्स यानी कि चिंतन कौशल तो शुरू करते हैं थिंकिंग स्किल्स के बारे में जो थिंकिंग स्किल्स है ये क्या होता है एक मेंटल एक्टिविटी होती है जिसका यूज़ करते हैं हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर वर्क करने के लिए उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उसके बाद किसी डिसीज़न डिसीजन पे आने के लिए इसका यूज़ क्या करते हैं हम थिंकिंग स्किल्स का किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिसीजन देना है उसमें हेल्पफुल होती है हमारी थिंकिंग स्किल्स और इन्फॉर्मेशन को क्या है ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्पफुल रहती है अगर हम बात करें थिंकिंग स्किल्स की तो थिंकिंग स्किल अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो ये होता है लर्निंग फैक्ट्स एंड रिकॉल मतलब फैक्ट्स को हमने लर्न कर लिया उसके बाद हमने उसको रिकॉल किया मतलब याद किया बाद में अगर इसके डीपर मीनिंग में जाएं तो इसका होता है एनालिसिस जिसमें हम एनालाइज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को सिंथेसिस मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन एनालाइज़ की है उसको ब्रेक डाउन करके हमने अलग अलग पार्ट्स में उसे देखा है उसके बाद हमें सिंथेसाइज करते हैं कि उससे न्यू आइडिया आ रहा है हमें न्यू इन्फॉमेसन मिल रही है उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ईवेलुएशन मतलब हेल्पफुल होती है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में और इवेलुएशन में अगर हम कोर देखेंगे थिंकिंग स्किल्स तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है फोकसिंग मीन्स हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है हम उस पर फोकस करते हैं फोकस होता है केंद्रित होना मतलब उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं सेकेंड आता है रिमेंबरिंग मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हम उसे याद करने की कोशिश करती हैं रिमेंबर करते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन थी थर्ड आता है गैदरिंग हमें अलग अलग जगह से अलग अलग मटेरियल से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम उसे गैदर कर रहे हैं फोर्थ आता है उसका ऑर्गेनाइजिंग मीन हम उसे मीन्स हम उसे किसी पर एकट वे में ऑर्गेनाइज करती हैं फिर उसके बाद आता है एनालाइजिंग हम एनालाइज करते हैं कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की है इंफॉर्मेशन की क्या हमने वो ठीक की है उसके बाद आता है हमारा सिक्स कनेक्टिंग हम उनके बीच में कनेक्शन डेवलप करते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन से लिंक्ड है मतलब उनके बीच का लिंक फाइंड आउट करते हैं उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग क्या होता है मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन को कनेक्शन डिवेल्प किया उसे इंटीग्रेट करना उसके बाद एड्थ है कंपाइलिंग कंपाइलिंग हम उसका यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन का कोई न्यू आइडिया जनरेट करने के लिए हम सिर्फ इसमें कंपाइलेशन कर रहे हैं उसके बाद है इवेलुएटिंग हम जो कंपाइलिंग कर रहे हैं उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं कि क्या हमने जो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट किया ऑर्गेनाइज किया उसके बाद उसे प्रोसेस किया तो जो हमें न्यू आइडिया जनरेट हो रहा है वो कैसे है उसके बाद इवेल्यूशन के बाद हम करते हैं जनरेटिंग जनरेशन जनरेशन क्या होता है न्यू आइडिया न्यू कॉन्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमने वेरियस कॉन्सेप्ट से गेन की है तो हम पढ़ते हैं इसके बारे इसके बाद थिंकिंग स्किल्स के बारे में थिंकिंग स्किल्स क्या है मेनली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू टाइप्स की डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये और कन्वर्जेंट थिंकिंग ये दोनों गिलफर्ड ने दी थी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में तो चलिए पढ़ते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है मीन्स जो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है डाइवर्जेंट नाम से पता चल रहा है कि डाइवर्जेंट मीन्स जैसे कोई लाइट पड़ती है तो मिरर के आया उसको डाइवर्स कर देता है मीन्स बेरियस डायरेक्शन में इसमें क्या होता है हमारे पास एक प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि क्वेश्चन है उसके वेरियस आइडियाज़ है तो हम क्या करते हैं इन आइडियाज़ का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अभी अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पर हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के तो सबसे पहला है टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज वही है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है हमारे पास नंबर्स ऑफ आइडियाज होते हैं हमारे सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा होते हैं हम ट्राई करके देखते हैं कि इसके लिए कौन सा बेस्ट होगा ओपन एंडेड प्रोसेस ओपन एंडेड प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये किसी एक सॉल्यूशन पे आके नहीं टिक रही हम देख रहे हैं कि इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं इससे भी सोल्व कर सकते हैं मीन्स हम इसमें अपनी क्रिएटिविटी लाते हैं उसके बाद है फ्लैक्सिबल इन नेचर फ्लैक्सीबल क्यों है कि इसका एक ही सोल्यूशन ही होता है अगर हमें वो सोल्यूशन सही नहीं लग रहा है तो हम सोल्यूशन चेंज कर सकते हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है ये हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग में ही होता है उसके बाद है इमेजिनेटिव हमारी इमेजिनेशन का यूज होता है उसके बाद है इंटीट्यूटिव इंटीट्यूटिव क्या होता है कि हमारी गट फीलिंग मीन्स हमारा गैस हमारे अंतर ध्यान से आता है तो ये इंटीड्यूटिव मतलब हम गैस करते हैं कि इसका ये भी हो सकता है मतलब क्रिएटिविटी क्रिएटिवली सोच रहे हैं ना हम कि इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है ये भी हो सकता है उसके बाद है अक्कर स्पॉन्टेनियसली फ्री फ्लोइंग एंड नॉन लीनियर मैनर्स मीन्स ये एक डायरेक्शन में नहीं होती हैं ये स्पॉन्टेनियसली होती रहती है हम देखते हैं इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है तो ये फ्री फ्लोइंग होती है मतलब हर डायरेक्शन में चलती रहती है नॉन लीनियर रहती है उसके बाद है प्रोड्यूस लिमिटलेस पॉसिबल आंसर्स वही है कि इसमें बहुत सारे आंसर्स होते हैं हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है ये सोल्यूशन भी हो सकता है उसके बाद है डाइवर्जेंट थिंकिंग फेवर्स क्वान्टिटी एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज इसमें क्या है कि हम ये क्वान्टिटी को फेवर करती है मीन क्वालिटी क्वालिटी पे डिपेंड वो नहीं करती कि फोकस नहीं करती कि हाँ क्वालिटेटिव होना चाहिए क्वांटिटी पे करती है कि जितने ज़्यादा आंसर हो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है उसके बाद है सब्जेक्टिविटी जो ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगाते हो आपके पास एक टॉपिक दिया जाता है आप उसके बारे में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो वेरियस आइडियाज वेरियस सोल्यूशंस वो देते हो उसके बाद है एक्सप्लैनेशन भैया डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं अपनी क्रिएटिविटी से उसके जितने सोल्यूशन है सबके बारे में डिस्कस करते हैं उसके बाद है इसमें जो सभी आंसर्स होते हैं उनकी इक्वल वैल्यू होती है ऐसे नहीं है कि कोई सोल्यूशन को हम बोल रहे हैं कि हाँ ये बेस्ट है हमारे पास जितने होते हैं हम सभी आंसर्स को बोलते हैं कि ये सभी इसके ठीक है ये हमारी क्रिएटिविटी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग में इसके बाद आती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है नाम से पता चला है कन्वर्स मतलब ये कन्वर्ज करती है हमारे पास जितने भी नॉलेज है कोई फैक्ट है कोई थॉट्स है उन्हें कन्वर्ज करती है एक स्पेसिफिक आंसर पे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं बट उनमें से एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कि ये करेक्ट है तो वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी हम अपनी इंटेलिजेंट का यूज़ कर रहे हैं हम अपने लॉजिक का यूज कर रहे हैं तो हम एक पर, जो परफेक्ट जो एक्यूरेट आंसर होता है उस पर जाके टिक करते हैं कि हाँ ये होगा इसका आंसर हमारे पास उसकी नॉलेज तो काफ़ी है ना उसके बहुत सारे फैक्ट्स को इन्वॉल्व करके हम उस आंसर पे आते हैं अगर हम इसके फीचर्स या इसकी करैक्ट्रिस्टिक्स के बारे में पढ़े तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है रिलेटेड टू इंटेलिजेंस ये हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है क्यों इसमें हमारी मेंटल उसमें भी मेंटल का यूज़ करते हैं बट उसमें हम क्रिएटिवली करते हैं इसमें हम अपने लॉजिक वगैरह का यूज़ करते हैं उसके बाद है फोकस्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है फोकस्ड होती है मीन्स ये उस आंसर पे ज़्यादा फोकस करती है जो उसके लिए एक्यूरेट हो परफेक्ट हो सिंगल सोल्यूशन सोल्यूशन है जो सिंगल होगा हमारे पास वेरियस नॉलेज होगी फैक्ट्स हो गए आइडियाज हो गए बट जो हमारा आंसर होगा वो सिंगल होगा क्लोज एंडेड प्रोसेस क्लोज एंडेड क्यों है हमारे पास अलग अलग थाट्स हैं अलग अलग फैक्ट्स हैं नॉलेज है, है. परंतु आंसर क्या है हमारे पास एक है जो एक्यूरेट है उसके बाद है लॉजिकल ये इसमें क्या है हम अपना लॉजिक लॉजिक लगाते हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं हम लॉजिक देखते हैं कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है हम अपने नॉलेज थॉट सबको कंबाइन करते हैं कन्वर्स करते हैं एक परफेक्ट परफेक्ट आंसर की ओर उसके बाद है लीनियर थिंकिंग लीनियर इसलिए क्योंकि ये एक ही आंसर की तरफ जाती है ये उसकी तरह नहीं होती डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह नहीं होती जिसमें क्या है नॉन लीनियर मीनस वेरिस डायरेक्शन में जा रही है स्पीड होती है इसमें ये एक्यूरेट होती है और लॉजिकल हो लॉजिकल होती है जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये फेवर करती है क्वालिटी को और इसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये ऑब्जेक्टिविटी वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे हमने किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो उसके बाद है कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है ये मोर रिजिड होती है मीन्स इसमें चेंज नहीं होता है. जैसे डाइवर्जेंट फ्लेक्सिबल होती है हमारे पास वेरियस आंसर होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें हमारे पास एक ही परफेक्ट आंसर होता है उसके बाद है प्रोड्यूस डिसीज़न एफिशिएंटली मीन्स जो हमारा डिसीज़न है वो एफिशिएंट होगा एक्यूरेट होगा क्यों क्योंकि हम इसमें लॉजिक लगा रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं लास्ट है इसका फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग वन सॉल्यूशन विद हाई वैल्यू हमारे पास इसके सॉल्यूशंस तो हैं बट हम क्या एक सोल्यूशन पर फोकस करते हैं हमारे नॉलेज फैक्ट्स को कम्बाइन करके उस सोल्यूशन पर फोकस करते हैं जो उसके लिए एक्यूरेट होगा जिसकी हाई वैल्यूज़ होगी जिससे हम बोलेंगे कि हाँ ये इसके लिए परफेक्ट है एक्यूरेट तो आज हमने पढ़ा थिंकिंग स्किल्स के बारे में जो मेन दो थिंकिंग स्किल्स पढ़ी कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग 1956 में दी थी जे पॉल गिलफर्ड ने उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़